हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे वी आर रीड चैप्टर टू, माय बॉडी। लेट स्टार्ट। पिक द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड पर टिक करिए। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज टू राइट योर नेम। आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट अपना नेम राइट करने में यूज करते हो? तो नेम कौन से पार्ट से राइट करते हैं आप? हैंड। तो आप हैंड पर टिक करिए। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू योर टू स्पीक। आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट बोलने के लिए यूज करते हो? तो कौन सा पार्ट यूज करते हैं बोलने के लिए आप? माउथ। तो आप माउथ पे टिक करिए। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज टू वॉक। आप अपने बॉडी का कौन सा पार्ट चलने के लिए यूज करते हो? तो कौन सा पार्ट चलने के लिए यूज करते हैं? लेग्स। तो आप लेग्स पर टिक करिए। लेट अस नो द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। अब हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के नाम जानते हैं। हेड, सिर, ईयर, कान, माउथ, मुंह, शोल्डर, कंधे, हैंड, हाथ, एल्बो, कोहनी, नी, घुटना, टोज, पैरों की उंगलियां, हेयर, बाल, आईज, आँख, नोज, नाक, नेक, गर्दन, फिंगर्स, उंगलियां, आर्म, भुजा, स्टोमक, पेट, लेग्स, पैर, फुट, पैर। ओके, नेक्स्ट पेज करिए। अब हम बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका क्या यूज होता है वो रीड करेंगे। हेड। हेड के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन का क्या यूज होता है? वी यूज आवर ब्रेन टू थिंक। जो ब्रेन होता है वो हमारे सोचने के लिए काम आता है। थिंक में सोचना। हम यदि कुछ भी चीज़ सोचते हैं, पढ़ते हैं, कैसे करते हैं? ब्रेन से। फिर है आईज। अब हम आईज का यूज कैसे करते हैं? आई सी माई विद माई आईज। मैं आँखों से देखता हूँ। वी सी विद योर आईज, आवर आईज। हम आँखों से देखते हैं। यू सी विद योर आईज, आप अपनी आँखों से देखते हैं। तो देखने के लिए किसका यूज करते हैं? आईज का। तो डू यू सी विद योर आईज, क्या आप अपनी आंखों से देखते हैं? यस, आई सी विद माय आईज, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। फिर है ईयर। ईयर्स का यूज काहे के लिए होता है? लिसन, सुनने के लिए। वी लिसन with our ears, we listen with our ears, हम अपने कानों से सुनते हैं। you listen with your ears, आप अपने कानों से सुनते हैं। तो हम कोई सी भी आवाज़, सॉन्ग सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ears का, कानों का यूज़ करते हैं। next है नोज। अब नोज का क्या यूज होता है? वी ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज। जो ब्रीथ है उससे हम सांस लेते हैं। वी ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज, वी इनहेल ऑक्सीजन।
जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इनहेल मीन्स लेना और एक्सहेल मीन्स छोड़ना। और किसी भी स्मेल को सूंघने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? नोज का, माउथ। आई स्पीक फ्रॉम माई माउथ, मैं मुंह से बोलता हूँ। यू स्पीक फ्रॉम योर माउथ, आप अपने मुंह से बोलते हैं। तो हम जो माउथ है उसका यूज काहे के लिए करते हैं? एक तो ईट करने के लिए करते हैं और एक बोलने के लिए यूज में लेते हैं। टीथ, विद आवर टीथ हम अपने दांतों से चबाते हैं। च्यू मीन्स चबाना। किसी भी फूड को जब हम ईट करते हैं माउथ के अंदर, तो उसको कैसे चबाते हैं? टीथ से। हैंड, वी ईट विद आवर हैंड हम अपने हाथों से खाते हैं। नेक्स्ट पेज करिए। अब है आर्म्स। आर्म्स जो होती हैं, द आर्म्स बैंड एट द एल्बो एंड द रिस्ट। हमारा जो एल्बो है दो जगह से बैंड होता है। एल्बो मीन्स कोहनी। एल्बो मीन्स क्या होती है? कोहनी होती है। और रिस्ट मीन्स कलाई। जो ये कलाई होती है, ये कलाई होती है। रिस्ट मीन्स कलाई। एक तो एल्बो से मुड़ती है, बैंड मीन्स मुड़ना, और एक कलाई से मुड़ती है। आवर फिंगर बैंड टू। जो हमारी जो फिंगर होती हैं वो भी बैंड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपना वर्क करने में सक्षम होते हैं। डैट इज वाई वी आर एबल टू वर्क विद अवर हैंड। क्योंकि जो हमारी फिंगर है ये मुड़ती है, जिसकी वजह से क्या है कि हम अपने हाथ से बैंड होते हैं। यदि हमारा हैंड बैंड नहीं होते तो हम वर्क कैसे करते? तो हमारा जो वर्क है करने में इजी बनाता है। कौन बनाता है? हैंड। वी कैन पिक अप थिंग्स राइट एंड ड्रा विद आवर हैंड्स, वी क्लैप आवर हैंड टू। हम चीजों को उठा सकते हैं, लिख सकते हैं, और अपने हाथ के द्वारा लिखने और ड्रा करने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फिंगर मूव करती हैं। और यदि ये बैंड नहीं, अपना हैंड रिस्ट और एल्बो यदि बैंड नहीं होती तो हम अपने हैंड से वर्क नहीं कर सकते। और हम हैंड से क्या करते हैं? क्लैप भी कर सकते हैं। क्लैपिंग करते हैं ना अपने हैंड से अपन। नेक, अब नेक का क्या यूज है? द नेक जॉइन द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इट हेल्प अस टू टर्न आवर हेड वन साइड टू द अदर। जो गर्दन है, नेक मीन्स गर्दन, हमारे हेड को पूरी तरह बॉडी के साथ जोड़ता है। ये किस काम में हेल्प करता है? हमारे हेड को वन साइड से दूसरी साइड घुमाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? नेक। चेस्ट, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज, द एयर गोज इन चेस्ट।
जो चेस्ट है वो क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो थ्रो करने में, जो एयर को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और फिर उसमें सांस, उस हमारे एयर हमारे कहाँ हो जाती है, चेस्ट में भर जाती है। नेक्स्ट पेज करिए, लेग्स। अब लेग्स जो है वो हमारे कैसे हेल्प करते हैं, वी वॉक ऑन आवर लेग्स। जो लेग्स है उससे क्या करते हैं, हम चल सकते हैं। आवर लेग्स बेंड एट द नी एंड एंगल्स, टॉइस टोज ऑफ द फीट कैन बेंड टू, दैट इज वाई वी आर एबल टू मूव अबाउट फ्रीली। वी कैन वॉक, जम्प, रन, हॉप विद अवर लेग्स। जो लेग्स होते हैं, हमारे लेग्स कहाँ से बेंड होते हैं, एक तो नी घुटने से होते हैं और एक एंगल से बेंड होते हैं, यानी कि मुड़ते हैं। और जो हमारी जो पैरों की टोज होती है, पैरों की जो उंगलियां होती हैं, ये भी क्या होती हैं, बेंड होती है, यानी कि मुड़ती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं, एबल होते हैं फ्रीली मूव करने के लिए, है ना, किसी भी काम को करने के लिए सक्षम होते हैं। अगर हमारी नी और ये नी और एंगल बेंड नहीं होते तो क्या हम आराम से वॉक कर सकते थे? No. और कोई भी काम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। और हम और क्या क्या नहीं कर सकते थे, जंप नहीं कर सकते थे, रन एंड हॉप नहीं कर सकते थे। ये सब किसकी वजह से करते हैं, हम लेग की हेल्प से। सो आपको ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इनके नेम एंड यूज आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप डाउट क्लास में पूछ लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।